हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है एंड उसकी डिग्री कैसे निकाली जाती है इसके बारे में बताऊंगा। तो एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। यहाँ मैंने दो वेरिएबल का फंक्शन लिया है। अभी ए जो मैं टेक्निक बताने वाला हूँ वो टेक्निक फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, फोर वेरिएबल, कितने भी वेरिएबल का फंक्शन हो उसके लिए एप्लीकेबल है। तो ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ए होमोजीनियस होगा डिग्री एन का। इसकी डिग्री हम बोलते हैं एन होगी। कब होगी? जब ए फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ए प्रॉपर्टी क्या है? एक्स की जगह लैम्डा एक्स पुट करो, वाई की जगह लैम्डा वाई पुट करो और दिस इज नथिंग बट लैम्डा की पावर एन बाहर आएगी और फंक्शन हमारा एज इट इज़ मिलेगा। यदि कोई भी फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। ये जो लैम्डा टू द पावर एन जो है ना, ये हमें डिग्री देगा। एग्जांपल लेते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। एक फंक्शन लिया मैंने, फंक्शन में लेता हूँ एक्स प्लस वाई अपॉन थ्री एक्स। सिंपल एग्जांपल लिया है समझाने के लिए। अब एक्स की जगह लैम्डा एक्स पुट कर दो, वाई की जगह लैम्डा वाई पुट कर दो, तो ये बनेगा लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई अपॉन थ्री लैम्डा एक्स। न्यूमरेटर से लैम्डा कॉमन आ जाएगा, सो दिस इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई। डिनोमिनेटर से लैम्डा कॉमन आ जाएगा, दिस इज थ्री एक्स। लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई अपॉन थ्री एक्स। ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन मिल गया। इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब लैम्डा किधर है? लैम्डा है नहीं, इधर हम वन लिख सकते हैं। दिस इज नथिंग बट वन इंटू दिस फंक्शन। इसको ही हम लिख सकते हैं लैम्डा टू द पावर जीरो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो। डिग्री कितनी इसकी? जीरो। टेक सेकेंड एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस वाई। एक फंक्शन लिया मैंने, ये होमोजीनियस है या नहीं, यानी ए होमोजीनियस है तो उसकी डिग्री क्या है, ये कैलकुलेट करने के लिए हमारी मेथड सेम है। एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई, तो ये आएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा। डिनोमिनेटर से लैम्डा बाहर आ जाएगा, न्यूमरेटर से भी लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा? दिस इज नथिंग बट लैम्डा इनटू दिस। दिस क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये क्या है? ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है जो हमने ऊपर लिखी है और यहाँ लैम्डा की पावर वन है, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? वन। एंड इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री वन। टेक अनदर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है। पुट करो एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई, तो आएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन रूट लैम्डा एक्स प्लस रूट लैम्डा वाई। न्यूमरेटर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा ब्रैकेट में। डिनोमिनेटर से रूट लैम्डा कॉमन आएगा, तो ये बचेगा रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब रूट लैम्डा क्या होता है? रूट लैम्डा यानी लैम्डा टू द पावर वन बाई टू, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर अपॉन रूट लैम्डा बाकी एज इट इज। इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा टू द पावर टू अपॉन लैम्डा टू द पावर वन बाई टू बाकी फंक्शन एज इट इज। अब ये वन बाई टू ऊपर गया, सो दिस इज नथिंग बट टू माइनस वन बाई टू बाकी फंक्शन एज इट इज़, यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई एज इट इज़ है। अब टू माइनस वन बाई टू कितना आता है? टू माइनस वन बाई टू देखो सिंपल है, डिनोमिनेटर सेम करना है, यानी फोर माइनस वन बाई टू, सो दिस इज थ्री बाई टू। सो दिस इज नथिंग बट लैम्डा टू द पावर थ्री बाई टू और ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन एज इट इज़ है। तो इफ फंक्शन भी हमारा जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करता है या एन की वैल्यू थ्री बाई टू है, इसका मतलब डिग्री ऑफ फंक्शन इज थ्री बाई टू एंड इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन।
एंड इट इज होमोजीनियस फंक्शन. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 प्लस वाई टू द पावर 1/2 अपॉन एक्स टू द पावर 1/3 प्लस वाई टू द पावर 1/3. ये होमोजीनियस है या नहीं चेक करने के लिए x की जगह लैम्डा x पुट करो, y की जगह लैम्डा y पुट करो, तो ये बनेगा लैम्डा x टू द पावर 1/2 प्लस लैम्डा y टू द पावर 1/2 अपॉन लैम्डा x टू द पावर 1/3 प्लस लैम्डा y टू द पावर 1/3. अब देखो आप, दिस इज अंडर रूट ऑफ, यहाँ रूट लैम्डा टू द पावर 1/2, लैम्डा टू द पावर 1/2, लैम्डा टू द पावर 1/3, लैम्डा टू द पावर 1/3 डिनोमिनेटर में. तो न्यूमरेटर में से हम लैम्डा टू द पावर 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं एंड बाकी एज इट इज, यानी एक्स टू द पावर 1/2 बचेगा, यहाँ वाई टू द पावर 1/2 बचेगा. डिनोमिनेटर में लैम्डा टू द पावर 1/3 कॉमन आएगा, क्या बचेगा यहाँ डिनोमिनेटर में, एक्स टू द पावर 1/3 बचेगा प्लस वाई टू द पावर 1/3 बचेगा. अब बाय रूल्स ऑफ इंडाइसेस क्या होता है हमारा, रूल्स ऑफ इंडाइसेस, लैम्डा टू द पावर एम अपॉन लैम्डा टू द पावर एन इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर एम माइनस एन. तो ये ऊपर जाएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रूट ऑफ लैम्डा टू द पावर 1/2 माइनस 1/3, बाकी जो है यानी वो एक्स टू द पावर 1/2 प्लस वाई टू द पावर 1/2 अपॉन एक्स टू द पावर 1/3 प्लस वाई टू द पावर 1/3 एज इट इज. तो ये कितना बनेगा, दिस 1/2 माइनस 1/3 यानी 3 माइनस 2/6, सो दिस इज नथिंग बट 1/6. सो दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा टू द पावर 1/6 एंड बाकी जो पार्ट है ना वो एज इट इज है, मैं लिखता नहीं अभी इसको. अब लैम्डा टू द पावर 1/6 है और उसका स्क्वायर रूट है, तो ये कितना बनेगा, लैम्डा टू द पावर 1/12, यानी क्या प्रॉपर्टी, ए टू द पावर एम टू द पावर एन होता है, तो इसको हम लिखते हैं ए टू द पावर एम एन. तो ये आएगा लैम्डा टू द पावर 1/12 एंड बाकी जो फंक्शन है क्या हमारा, एक्स टू द पावर 1/2 प्लस वाई टू द पावर 1/2 अपॉन एक्स टू द पावर 1/3 प्लस वाई टू द पावर 1/3 सेम बचेगा. ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, तो दिस इज नथिंग बट लैम्डा टू द पावर 1/12 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. इसका ही मतलब है ए होमोजीनियस है एंड इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ दिस फंक्शन इज 1/12. अभी तक हमने ऐसे एग्जांपल्स लिए हैं जो होमोजीनियस है एंड उसकी कुछ डिग्री हम निकाल पा रहे हैं. ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लूँगा जो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है. एग्जांपल लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस वाई. अब हमें होमोजीनियस है या नहीं ये फंक्शन ये चेक करने के लिए x की जगह लैम्डा x पुट करो, y की जगह लैम्डा y पुट करो, तो ये क्या बनेगा, साइन ऑफ लैम्डा x का स्क्वायर प्लस लैम्डा y का स्क्वायर अपॉन लैम्डा x प्लस लैम्डा y. अब इसको ही हम लिख सकते हैं साइन ऑफ लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन लैम्डा x प्लस लैम्डा y. न्यूमरेटर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. डिनोमिनेटर से लैम्डा कॉमन आएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लैम्डा ऑफ एक्स प्लस वाई. एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं हम इसको साइन ऑफ लैम्डा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई. अब प्रॉब्लम यहाँ क्या है, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या है, हमारा ओरिजिनल फंक्शन है इसे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई. अब इसको मैं लैम्डा टू द पावर सम लैम्डा टू द पावर एन इंटू ओरिजिनल फंक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, लैम्डा तो अंदर अटक गया, इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, यानी दिस इज नॉट इक्वल टू लैम्डा टू द पावर एन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई. इसका ही मतलब है हमारा एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज नॉट इक्वल टू लैम्डा टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. इसका मतलब है इट इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन, इट इज नॉट होमोजीनियस. तो ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं था. तो और एक एग्जांपल लेते हैं, अपना साइन का ही लेता हूँ जो होमोजीनियस होगा, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा क्या है. साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लिया मैं,
ये होमोजीनियस है या नहीं चेक करने के लिए एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई पुट करो, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। एक्स की जगह लैम्डा एक्स पुट किया, वाई की जगह लैम्डा वाई पुट किया, दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ लैम्डा न्यूमरेटर से बाहर, लैम्डा डिनोमिनेटर से बाहर, लैम्डा लैम्डा कट हो गया, तो हमारा क्या बचा, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन आ गया, तो दिस इज नथिंग बट हमारा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड लैम्डा टू द पावर जीरो बाहर लिख सकते हैं हम, ठीक है। सो इट इज होमोजीनियस, इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो जीरो। तो ये हमने होमोजीनियस फंक्शन आइडेंटिफाई कैसे होता है एंड उसकी डिग्री कैसे निकाली जाती है इसके बारे में समझ लिया है, ठीक है। अब मैं एक पॉलिनोमियल टाइप एग्जांपल लेता हूँ, एज्यूम करो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दिया हमें, एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब लिया है, ठीक है। अब ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की जगह लैम्डा एक्स पुट करो, वाई की जगह लैम्डा वाई पुट करो, तो ये क्या बनेगा, दिस इज लैम्डा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इंटू लैम्डा वाई प्लस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस लैम्डा क्यूब वाई क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब। अब यहाँ लैम्डा स्क्वेयर इंटू लैम्डा लैम्डा क्यूब लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वेयर लैम्डा क्यूब, दिस इज लैम्डा क्यूब दिस इज लैम्डा क्यूब, तो लैम्डा क्यूब बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब। ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा क्यूब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो इसका ही मतलब है इट इज़ होमोजीनियस एंड इसकी डिग्री जो है वो कितनी है, 3 डिग्री है। सो इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। अब कोई भी जो पॉलिनोमियल दी होती है उसमें हर टर्म की डिग्री यदि सेम है, सेम डिग्री ऑफ ईच टर्म, तो ये होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस। ऊपर जैसे था हर टर्म की डिग्री 3 थी, इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यानी एज्यूम करो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कोई भी पॉलिनोमियल है, ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन वाई टू द पावर वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू वाई स्क्वेयर एंड सो ऑन ए एन वाई टू द पावर एन। यहाँ ए नॉट ए वन ए टू डैश 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 ए एन सारे कॉन्स्टेंट है। यहाँ इसकी डिग्री देखो एन है, इसकी एन माइनस वन प्लस वन एन हो जाएगी, इसकी भी एन माइनस टू प्लस टू एन हो जाएगी और इसकी एन, यानी ईच टर्म की डिग्री एन है, तो ए होमोजीनियस ही होता है, ये होमोजीनियस एंड इसकी डिग्री जो है वो आती एन। सो दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड एग्जाम्पल जिसमें पॉलिनोमियल फंक्शन है और हर टर्म की डिग्री सेम है, तो ऐसा फंक्शन हमेशा होमोजीनियस रहेगा, उसकी डिग्री भी एन रहेगी, ठीक है। और एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, जो जो फंक्शन इस फॉर्म में दिए होते हैं, किस फॉर्म में, जेड इज इक्वल टू, या जेड इज इक्वल टू लिखने से अच्छा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन फाई ऑफ वाई बाय एक्स, या वाई टू द पावर एन साई ऑफ एक्स बाय वाई के फॉर्म में दिए होते हैं, वो फंक्शन भी होमोजीनियस रहते हैं एंड डिग्री उनकी होती है। इसका एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दिया है आपको, एक्स क्यूब साइन ऑफ वाई बाय एक्स करके दिया है, तो देखो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, सो इट इज़ होमोजीनियस एंड डिग्री इज 3। दीज आर सम स्टैंडर्ड केसेस, जैसे यदि कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में दिया है तो ये होमोजीनियस ही होगा।